रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में मौजूद एक कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी की घटना हुई है। रूसी जांच समिति के मुताबिक हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सरकार ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रॉक्रॉस सिटी हॉल में हमला उस वक्त हुआ जब यहाँ पिकनिक नाम के एक रूसी रॉक ग्रुप के कार्यक्रम का आयोजन होना था। कॉन्सर्ट शुरू होने से ठीक पहले कैमोफ्लाज कपड़े पहने 5 बंदूकधारियों ने यहां आए लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा है कि हमले के दौरान हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसे में मरने वालों और घायलों की तादाद बढ़ सकती है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि रॉक ग्रुप स्टेज पर आने ही वाला था कि उससे पहले ये हमला हो गया। इस दौरान इमारत में आग लग गई और इसकी छत का एक हिस्सा भी गिर गया। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हथियारों से लैस कुछ हमलावर दर्शकों के बैठने वाली जगह के पीछे के हिस्से में आए और गोलियां चलाने लगे। इस दौरान दूसरे हमलावर हॉल के केंद्र में बने दरवाजे के पास गोलियां चला रहे थे। इस गोलीबारी के बीच कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद कई लोग पार्किंग की तरफ निकलकर भागने में कामयाब रहे। वहीं कई लोग भागकर छत की तरफ चले गए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक कई लोग इमारत की बेसमेंट में छिप गए थे, जहां से बाद में उन्हें निकाला गया। रूसी मीडिया के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। वहीं यूक्रेन ने हमले में हाथ होने से इनकार किया है, जबकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि IS रूस में किसी हमले को अंजाम दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रैम तक।